हेलो एवरीवन। तो चलिए, आपका सीजी वेपम के जो हम जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे जल संसाधन विभाग में, जो सिविल के लिए जो फॉर्म आया हो, उसमें बहुत लोगों का कमेंट आया हुआ है। चलिए मैं कमेंट यहाँ पे शो कर देता हूँ कि लोगों का, देखिए जितने भी स्टूडेंट का पेमेंट फेल हो रहा है, क्या करें। तो जितने भी देखिए सभी में है कि हम जो है ऑनलाइन फॉर्म भरें, पेमेंट नहीं हो रहा, कौन सा SBI ATM यूज़ करें, कौन सा नहीं करें। तो ये सब बहुत सारा जो है वो कमेंट आया, तो मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो गया है या बाय चांस कोई चीज़ आपने लिखा पेमेंट का लिया, बाद में आपको पता चला कि ये मिस्टेक हो गया है, तो आपको जो मिस्टेक है उसको कब सुधारेंगे, तो ये सब पूरा डेट जो है मैं आपको इस पूरे इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप कब टाइमिंग है, कैसे करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आप ये इस वेबसाइट में ऑफिशियली रहता है, आपको कोई दूसरा वेबसाइट में नहीं जाना है, उसका डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया हम। सबसे पहले मैं त्रुटि सुधार की बात करूँ। अगर आप जिन जिन बंदे जो है एग्जाम फॉर्म केयरफुली करते टाइम, अगर बाय चांस थोड़ा सा भी मैरिड अनमैरिड में इसमें डेट ऑफ कोई भी चीज में हो, अगर गलती हो जाता है, तो आपको ध्यान देना है 8 से 10 अप्रैल के बीच में त्रुटि सुधार होगा, ठीक है। 8 से 10 के बीच में आपको ओपन करना है, जो भी चार्जेस लगता है वो पे करके आपको सुधार कर लेना है, ठीक है, त्रुटि सुधार। ऐसे फॉर्म जो है 14 मार्च से स्टार्ट है और 7 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद जैसे ही ये खत्म होगा, 8 से 10 के बीच आपको त्रुटि सुधार करना है। पेपर की संभावित तिथि जो है 8 मई को दिया हुआ है। ये तो हुआ आपका त्रुटि सुधार के लिए। अब जो है जिन जिन लोग जो है एग्जाम फॉर्म जो है केयरफुली फिल कर दिए, सब चीज आगे तक बढ़ गए, उसका आईडी आ गया, जो भी आ गया, अब पेमेंट किए, पेमेंट करने के बाद में क्या होता है, कई बार जो है सर्वर जो है प्रॉब्लम, जैसे मैंने वहां पे आपको बताया हुआ था कि गेटवे 1 और गेटवे 2 दिया रहता है। अधिकतर मैं जितने भी ऑनलाइन फॉर्म जितना भी सीजीओ अपन के किया हूं, तो बहुत लोग जो है गेटवे 1 यूज किए होंगे, याद कीजिए। अगर आप सही एकदम सही तो गेटवे 2 से कीजिए। गेटवे 2 का सर्वर जो है बहुत अच्छा होता है, आप गेटवे 2 के माध्यम से वहां से पेमेंट कर सकते हैं। बाय चांस उसमें भी अगर आपका जो है पेमेंट फिल हो जाता है, पेमेंट फिल हो जाने के बाद में डोंट वरी, अगर आपके अकाउंट से पैसा कट गया तो क्या करना है, पेमेंट पैसा कट जाने के बाद में जो है आपको 4 से 5 दिन बाद वो पेमेंट आपका सक्सेस नहीं हुआ रहता, तो आपका 4 से 5 दिन में अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। डोंट वरी, उसका आप टेंशन मत लीजिए, आपके अकाउंट में बराबर आ जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे पेमेंट फिल हो गया, थोड़ी देर रुकना है, 5 से 10 मिनट, फिर से आपको अप्लाई करना है नया फॉर्म। या आप चाहे तो 4 से 5 दिन पैसा आने का भी वेट कर सकते हैं, लेकिन जब टाइम कम रहता है, जैसे आज 30 तारीख हो गया, अब हमको 4 दिन में फॉर्म फिलअप करने, 7 दिन बचा जो भी, तो हमको उस समय जब नज़दीक रहता है तो फिर से फॉर्म तुरंत भर देना चाहिए। पेमेंट केयरफुली कर दो। अगर टाइमिंग सही करूँ तो सुबह से चालू करके आप आराम से 9 बजे तक भी भर सकते हैं। तो कई बार सर्वर जो है प्रॉब्लम चलते रहता है, बैंकिंग सिस्टम पे भी कई बार, तो इसलिए पेमेंट फेल्ड हो जाता है। बाकी यहाँ पे आप जो है देखिए ट्रैक ट्रांजेक्शन रिफंड का भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जो भी एग्जाम होता है आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ये सब नंबर दिया बस है, कोई उठाता नहीं है, ईमेल डेस्क ये फालतू रहता है, उठाते हो कुछ नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना। जितने भी फेल्ड हुआ है अगर पेमेंट मेरा भी, तो 4 से 5 दिन में बराबर जो है अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपका पेमेंट फेल्ड हो जाए तो बराबर जो है उसको छोड़िए, या चाहे तो आप पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाने के बाद में यहाँ पे एक बार ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल चेक जरूर कर लीजिए कि आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हुआ है नहीं, तो फॉर्म करते ही वहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन आईडी आना जरूरी है और सक्सेस शो होना जरूरी है, ठीक है। हमेशा अगर पेमेंट फिल हो जाता है तो कई बार क्या करते हैं, हम उसी ट्रैक आईडी को लेकर फिर से पेमेंट करने को, सीजी वेपम में ये चीज़ जो है बहुत ही बेकार है। अगर हमारा जो है पेमेंट फिल हो जाता है तो क्या होता है, हमको फिर से पूरा फॉर्म भरना पड़ता है। CGPSC बहुत अच्छा पेमेंट फिल हो गया तो जहां से हम स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हर बार हमेशा हमको ऑनलाइन फिर से फॉर्म भरना पड़ता है। केयरफुली सब चीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए, सब सही हो जाएगा। तो देखिए और बहुत सारे भी कमेंट आया कि क्या दूसरे स्टेट जो है, दूसरे स्टेट के नहीं, ये सिर्फ छत्तीस, यहाँ पे आप फॉर्म जब पढ़ेंगे केयरफुली तो यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है जन्म जाति स्थायी निवास पत्र संबंधित प्रमाण पत्र अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पे हम विज्ञापन, यहाँ पे चल मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये फॉर्म ओपन करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन तो यही आता है कि आपके पास जो है शैक्षणिक योग्यता है या नहीं, तो हाँ करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये देखिए RUCG, तो आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अगर नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन ही नहीं होगा। तो सीधा सीधी बात, हाँ करेंगे तभी ओपन होगा, तो नहीं होगा, ये हो गया। उसके बाद और कुछ जानकारी मैं यहाँ से बता देता हूँ। सिलेबस तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ओरिजिनल है,
यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं अपने हाँ। अब एक चीज़ मैं जिस समय करेक्शन जब चालू होगा तो उस समय आपको मैं फिर से करके बताऊंगा कैसे आपको जो है आपका जो क्या बोलते हैं एडिट करना है। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, ट्रैक पे जाना रहेगा उस समय 10th नंबर का, और यहाँ पे देखिए स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, अभी आवेदन की स्थिति अभी देख रहे हैं। जब आपका टाइमिंग चालू होगा 8 से 10 के बीच में, तब इसी को ही क्लिक करेंगे, करेक्शन फैसिलिटी ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपने आईडी पासवर्ड डाल देंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कौन, ऑटोमेटिक फॉर्म जो है ओपन हो। अभी क्या, हम अभी देखो टाइमिंग नहीं आया था, हम ओपन करके देखेंगे तो जैसे जैसे फिल किया सिर्फ वही देगा, जब 8 से 10 के बीच करके, तो आपको जो एडिट करना होगा कर देंगे, सबमिट करेंगे, आपको जो भी चार्जेस लेता 20-50 जो भी, वो आपको सबमिट कर देंगे, सक्सेसफुली हो जाएगा। आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या, अगर कोई भी और प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं मेरा नया यूट्यूब चैनल है, जो भी जानकारी जो भी आपका रहेगा यूट्यूब का, इसमें जो भी एग्ज़ाम फॉर्म CGPSC जितने का भी सभी चीज़ के मैं जानकारी देते रहूँगा, ठीक है।